गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर सीखा था, आज सीखेंगे हम मल्टीप्लाई करना। आज हम एक प्ले की तरह मल्टीप्लाई सीखेंगे, ठीक है? तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, जिसके थ्रू आप 2 सेकंड में मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हो, ठीक है? तो लेट बी स्टार्ट नाउ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर नियरेस्ट बाय द 100 के नियरेस्ट के नंबर्स को हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सपोज जैसे हमने लिया है 105 मल्टीप्लाई 106, ओके? तो कैसे हम इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं? तो लुक एट द कैमरा, ओके? 105 मल्टीप्लाई 106, ओके? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि क्या करना है। 105 ये 5 दे रखा है, 100 में कितना ऐड किया गया है? 5, 5 हमने अलग कर लिया है। 106 में 100 में कितना 6 किया है? 6 को हमने अलग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई, 5 6 30, ओके? उसके बाद मैंने क्रॉस के साइन लगाए, आप भी क्रॉस के साइन लगाएंगे। बेटा, फर्स्ट नंबर को इस क्रॉस से ऐड करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, सेकंड नंबर को ऊपर वाले से ऐड करोगे तब भी सेम आएगा, पर मेन बात क्या है कि इनमें से कोई एक क्रॉस आपको ऐड करना है। जैसे आप ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐड करेंगे, 105 में ऐड करेंगे 6, आंसर आएगा आपका 111। तो टोटल आंसर हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई का 105 मल्टीप्लाई 106 इक्वल टू 11,130। बोला था ना कि 2 सेकंड में आप मल्टीप्लाई इजिली कर पाएंगे और समय को बचा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने मल्टीप्लाई करना है 112 मल्टीप्लाई बाय 115। तो 112 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई करना है हमें, 112 मल्टीप्लाई 115, ओके? इसमें क्या है, 100 में कितना ऐड करना है? 12, तो 12 अलग किया हमने इसमें से। 115 में कितना ऐड किया गया है? 15, तो 15 हमने अलग किया। फिर हमने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई 15, 15 टू जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, ओके? 15 वन जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18। तो 18 का 8 लिखेंगे, ऊपर 1 कैरी कर देंगे। ये 1 कैरी जब हम ऐड करेंगे, जब हम क्रॉस में नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो 112 में हमने 15 ऐड किया तो 127 आया, 112 में 15 ऐड किया 127 आया, 127 में हमने 1 कैरी ऐड की थी तो ये हो गया 128, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर टोटल हो गया 12,880। तो हो गया ना, 2 सेकंड में भी कम समय में आप मल्टीप्लाई इजिली आंसर निकाल सकते हैं, ओके? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं जो भी नियरेस्ट 100 के होंगे, आसपास 100 के। तो 98 एंड 97, इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो 98 है इसे 100 बनाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर हमने साइड में रख लिए। 97 को 100 बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, 3 नंबर चाहिए। साइड में रखने के बाद बेटा हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6, ओके? हमने ऊपर वाले में क्या था, क्रॉस में प्लस, यहाँ पे क्रॉस में आप किसी भी नंबर को माइनस कर सकते हैं, पर करना 1 ही को है, सबको नहीं। तो जैसे मैंने किया है 97 में से 2 माइनस, तो आंसर आ गया 95, ओके? तो टोटल आंसर हो गया 9,506। फर्स्ट हमने क्या किया था बेटा, 98 में जो नंबर कम था वो था 2, 97 कम्प्लीट 100 करने के लिए 3 नंबर था, 3 हमने अलग किया, इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है? हमें सिंगल नंबर नहीं रखते इसलिए आगे 0 लगाना पड़ता है, तो 06 लिखा है मैंने। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस में किसी भी नंबर को आप माइनस करोगे सेम ही नंबर आएगा, तो मैंने 97 में से 2 माइनस किया है, हमारा आंसर आ गया 95। तो टोटल आंसर हो गया 98 मल्टीप्लाई 97 इक्वल टू 9,506, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर समझते हैं हम। क्वेश्चन 4, 93 मल्टीप्लाई 95, 100 कम्प्लीट करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 7। 95 को 100 कम्प्लीट करने के लिए 5 नंबर चाहिए, तो हमने वो नंबर्स अलग कर लिए हैं। अब हम करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, ओके? फिर हम क्रॉस में करेंगे इसे माइनस, 95 में से 7 माइनस करेंगे, 88 आंसर आएगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 93 मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू 8,835। हो गया ना इजिली, 2 सेकंड में इजिली आप मल्टीप्लाई करके आप सीख सकते हो, अपना समय बचा सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।